ये अमेरिकन बड़ा बादाम अमेरिकन के अंदर, ये मीडियम साइज है, ये खस्ता बादाम, ये खस्ता खुबानी का बादाम बादाम होता है, ये कहलाता है मन का बादाम। सही। अच्छा, मन के अंदर भी दो साइज आते हैं, ये छिलके वाले के अंदर फल्ली बादाम। फल्ली से मीन्स कि ये हाथ से देखो, इस पे ऐसे जीरी नजर आ रही होती सही। है, ये ऐसे हाथ से छिल जाता है। ये अब्दुल वाहिदी बादाम बड़ा मशहूर बादाम, इसमें ये काजू इंडिया, ये छोटा काजू है, ये बड़ा दोनों साइज इंडिया है, सही सिर्फ साइज का साइज फर्क है, का दो सौ फर्क है। चालीस ये बड़ा काजू, ये एक दाना भी बंद नहीं, एक एक दाना खुला चाइना वाला। सही। ये फल्ली दाना, ये है सिलोन। सही। सिलोन सबसे अच्छा खोपरा होता है, इसके अंदर तेल की मकदार भी सबसे ज्यादा होती है। पूरी थप्पी देखें, सफाई, कोई दाना टूटा हुआ नजर, गोल बीज है। सही। ये नमक से भरा हुआ होता है, ये बिल्कुल लाइट नमक, मतलब यूं कह लो कि ना होने के बराबर। इसमें अपने पास दो किस्म की, एक ये भी है और एक ये जो आपको मीडियम हर जगह नॉर्मल मिल जाएगी, ये गोल किशमिश, ये ब्लैक किशमिश, ये जिगर के मसले के अंदर और इसमें बहुत यूज होती है। मुनक्का, ये नज़ला खांसी वगैरह के अंदर जो इस्तेमाल होता है। ये चिया सीड, ये बहुत वजन कम करने के लिए और लेडीज़ों के लिए बहुत फायदेमंद चीज़ है। ये अलसी, अच्छा अलसी के अंदर भी यही सीन है, एक सीरिया और एक पाकिस्तानी। ये दखनी मिर्च है। अच्छा, ये धनिया गिरी, ओरिजिनल जिसको धनिया की दाल भी कहते हैं लोग, धनिया गिरी भी कहते हैं, सौंफ के साथ जो सेक कर खाई जाती है, और ये खाने में भी बहुत मीठा होता है। अच्छा, जबरदस्त खोपरा होता है कि किसी के इंतान है। ये अखरोट गिरी, इसका भी टुकड़ा वुकड़ा सब निकला हुआ है, सारा फली फल एक देखें। अच्छा, ये छुआरा है, ये गोंद, कढ़ाई का गोंद कहलाता है। ये पम्पकिन सीड है, इसका रेट की बात करें तो ये घर के बड़ों को भी खिलाए ना, कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, हर चीज का, क्योंकि ये बना हुआ है बेरी के शहद में। अच्छा, ये मेरे पास ये शहद है। सही। ये बेरी का शहद, मतलब जो शुगर वाले यूज कर सकते हैं। ये मेथी दाना जिसको कहते हैं। सही। ये भी बिल्कुल साफ। ये खशखश, ये जो सर्दियों के अंदर जो हम थादल वगैरह के अंदर और उसके अंदर भी बहुत यूज होती है। ये क्वालिटी देखे, बिल्कुल साफ। ये इंडिया है। अच्छा, ये इंडिया। इन दोनों की पहचान आप साथ रख के कर सकते हैं, क्या फर्क होता है, डिफरेंस चेक कर, कलर का डिफरेंस, सही साइज का डिफरेंस। काली मिर्च देखें, इसका साइज देखें, बच्चों की पिस्तौल का छर्रा आता है, ऐसा छर्रा ही छर्रा, सफाई, कोई छोटा दाना नहीं, कोई लकड़ी नहीं, कोई चूरा नहीं, बिल्कुल साफ। बादियान, ये भी सारा फूल ही फूल, इसके अंदर भी कोई टुकड़ा, कोई लकड़ी, कुछ नहीं, सारा फूल फूल। बड़ी इलायची, बड़ी इलायची, काली इलायची भी कहते हैं कुछ लोग। ये इंडिया वाली है, प्योर। ये मडागास्कर का लौंग कहलाता है। सही। इसमें भी दो तीन किस्म की लौंग आती है, लेकिन मेरे पास सिर्फ मडागास्कर मिलेगी, क्योंकि इसकी खुशबू पिसी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च तेज वाली है। ये इंडिया हल्दी पिसी हुई, ये धनिया पिसावा, ये ओरिजिनल पिसावा, इसकी खुशबू और इसकी क्वालिटी देखो। ये इमली बैंकॉक वाली है, बिल्कुल गोल्डन इमली। उसके बाद फिर हमारे पास रेसिपी मसाले वगैरह होते हैं, शामी कबाब और निहारी, कोरमा, बिरयानी, टिक्का बोटी, यानी तमाम मसाला जात मिल अचार का मसाला। इसके अंदर आप अगर इसका ये जो बीज दिखा सकें तो ये बीज देखें कितना बारीक है। सही। ये ओरिजिनल अंजीर की निशान है, ओरिजिनल। अच्छा, अंजीर के अंदर भी आजकल, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि अंजीर के अंदर पिछले 1.5-2 साल से गैस का चक्कर बहुत निकल गया, इसके अंदर फॉर्मिकेशन मारी जा रही है। ऐसे। और वो फॉर्मिकेशन मारी जा रही है जो अल्लाह माफ करे, जो शदीद नुकसानदेह होगी। कितना नुकसानदेह, मैं आपको उसकी बात बताऊं कि इसको सड़ने से बचाए। और सड़ने से क्या चीज बचाती है, कापूर, जो मुर्दे को लगाया जाता है। जमजम भी होता है, आबे जमजम होता है, खजूरें होती है, मेरे पास सऊदीया की 12 महीने आबे जमजम भी 12 महीने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत होंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि आपको हमेशा सब मुस्कुराते रखे और अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। तो आज एक बार फिर से मौजूद हैं अनस भाई के पास। जैसा कि आप मेरे चैनल पे पहले भी इनकी वीडियोस देख चुके हैं कि इनके पास जो है ड्राई फ्रूट की बेइंतहा वैरायटीज़ होती हैं। प्राइस आप पहले भी जानते हैं कि होल सेल नहीं, सुपर होल सेल होते हैं। यहाँ पे आने का एक रीज़न और भी है, जैसे कि आपको पता है मसाला जात तो आपको हर जगह मिल जाते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे तमाम डिटेल दी जाएगी कि किस तरह से जो है आजकल लोग जो है वो कस्टमरों को बेवकूफ़ बनाए रहे हैं और किस तरीके से, यानी कि हमें ओरिजिनल की पहचान करनी चाहिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए अनस भाई हमारे साथ मौजूद हैं, तो इनसे जानते हैं क्या प्राइस होने वाले हैं और क्या वैरायटी हमें दिखाने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम अनस भाई। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अलहमदुलिल्लाह। अनस भाई, सबसे पहले तो शॉप का एड्रेस बताएं और उसके अलावा आज क्या वैरायटी दिखाने वाले हैं। शॉप का एड्रेस अली मोहम्मद बिलाल, जोड़िया बाजार, मीठा दर, मिजान बैंक के पास आगे, किसी भी दुकानदार से पूछ सकते हैं, अली मोहम्मद बिलाल मीठा दर। सही। और बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको सारी चीजें मिल जाएगी, नंबर वगैरह अगर कोई नंबर स्क्रीन पे चल रहा होगा। बाकी क्वालिटी की जहाँ तक बात है कि क्या दिखाएंगे, तो इंशाल्लाह स्पाइसेस भी आपको बताते हैं, पिसे हुए सब्जी भी बताते हैं, ड्राई फ्रूट्स और क्वालिटी समझा के इंशाल्लाह। सही। और आबे जमजम भी होता है, आबे जमजम होता है, खजूरें होती है, मेरे पास सऊदीया की 12 महीने आबे जमजम भी, 12 महीने आबे जमजम मेरे पास इधर नहीं होता, ऑन डिमांड होगा, लेकिन इंशाल्लाह पूरे
कराची से अच्छा रेट मिलेगा इंशाल्लाह, और प्योर मिलेगा, प्योर 100% उस चीज की तो गारंटी है। तो और शहद भी होता है आपके पास, शहद बेरी का शहद होता है, बहुत सारी चीज होती है, इंशाल्लाह आपको वीडियो दिखाते हैं उसमें आपको पता चल जाएगा। तो चलें व्यूअर्स, बिना टाइम वेस्ट किए डिटेल वीडियो लेते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। जी अनस भाई, कहाँ से वैरायटी दिखाने स्टार्ट करेंगे? वैरायटियां तो यार बहुत सारी है, आपको स्पाइसेस से दिखाना शुरू करते हैं। चलें, जिसके अंदर बेसिक आइटम है जीरा, जीरा जीरे की क्वालिटी देखें बिल्कुल साफ, अरे जबरदस्त, जैसे हाथ डालेंगे वैसे हाथ बाहर आएगा, बिल्कुल साफ, डबल चन्नी डबल पंखा साफ। सही, और यहाँ पे आने का हमारा मकसद भी यही होता है कि पाकिस्तानी सफाई हमने कहीं पे भी नहीं देखी। ये पाकिस्तानी जीरा है। सही, इसके अंदर तीन क्वालिटी आती है जीरे के अंदर, एक पाकिस्तानी, सही, एक इंडिया, एक चाइना। सही, ये पाकिस्तानी सबसे टॉप, पूरे वर्ल्ड के अंदर पाकिस्तानी जीरा सबसे टॉप होता है। जबरदस्त, इसकी सफाई बिल्कुल, ये देखो कोई रज नहीं उड़ेगी, कोई मिट्टी नहीं उड़ेगी। सही, ये जीरे के अंदर देखा जाता है, कस्टमर ना घर वाले लेके जाते हैं साफ करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल लेके जाए ऐसे ही आधा तो कचरा निकलता है उसमें, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल सफाई। और इसके अगर प्राइस की बात करें तो, इसकी अगर प्राइस की बात करें तो इसके रेट अभी कम हो गए, इसके रेट अभी 2000 रुपए किलो है, 5000 रुपए किलो। जैसे अभी ये पाकिस्तानी आपको मैंने जीरा बताया ना, सही, बिल्कुल साफ, और इसी तरीके से ये इंडिया है। अच्छा, ये इंडिया, इन दोनों की पहचान आप साथ रख के कर सकते हैं, क्या फर्क होता है, डिफरेंस चेक कर, कलर का डिफरेंस, सही, साइज का डिफरेंस, बिल्कुल हर चीज का डिफरेंस होता है। ये इंडिया जीरा, ये 1200 रुपए किलो है, 1200 रुपए किलो, 1200 रुपए किलो, इतना फर्क। ये अभी सस्ता हो गया अभी। अच्छा। बीच में अगर आपके कोई व्यूअर्स जो देखेंगे जिन्होंने आज से 10 दिन 15 दिन पहले जीरा लिया होगा, सही, जीरे का रेट बहुत हाई था। अच्छा। ये तकरीबन 2 से 3 दिन हुए कि जीरे का रेट बहुत रीजनेबल हो गया, दोबारा पुराने रेटों पे आ गया। अब जैसे काली मिर्च देखें, इसका साइज देखें, छर्रा जैसे वो बच्चों की पिस्तौल का छर्रा आता है, ऐसा छर्रा ही छर्रा, कोई छोटा दाना नहीं, कोई लकड़ी नहीं, कोई चूरा नहीं, बिल्कुल साफ। सही, बहुत और ये ऐसा नहीं है कि इन्होंने वीडियो की वजह से छाने, भाई आप कहीं से भी उठा के देख ले, पूरा बोरा रखा हुआ है। अच्छा, इसकी अगर अब सफाई का मैं आपको ये दिखा सकता, इतफाक से अभी बादाम साफ हो रहा था, सही, अभी अभी खत्म करा इसने, ऊपर लगा दिया, सही है, बच्चा लगा रहा था। सही, तो ये काली मिर्च की 20 तरीके से सफाई। अच्छा, इसकी रेट की बात करी जाए तो ये बंटा कहलाता है। सही, इसके अंदर भी 2-3 किस्म की क्वालिटी आती है, मेरे पास एक ही मिलती है। सही, होलसेल के अंदर दोनों तीनों किस्में होती हैं, रिटेल के अंदर जो मतलब दुकानदारी के लिए सिर्फ अच्छी क्वालिटी। सही, इसकी रेट की बात करें तो ये 2400 रुपए किलो है, 2400 रुपए किलो, जबरदस्त। अब ये बादियान, अरे बादियान चेक करें, सारा फूल ही फूल। सही, ये तो गरम मसाले से लोगों ने गायब ही कर दिया, ये भी सारा फूल ही फूल, इसके अंदर भी कोई टुकड़ा कोई लकड़ी कुछ नहीं, सारा फूल फूल हमने जो पहले देखा उसमें बड़ी इलायची, बड़ी इलायची, काली इलायची भी कहते हैं कुछ लोग, ये इंडिया वाली है प्योर। सही, इसके अंदर आजकल रेट इतना 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 हाई हो गया कि इसकी वजह से चाइना आजकल बहुत चल गई, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। सही बेटा, चाइना का जवाब करके देना मेरे को, ये इंडिया है, ये इंडिया की, ठीक है। इसके अंदर इसके रेट की अगर बात करें तो ये अभी बहुत महंगा, ये 6000 रुपए किलो है, 6000 रुपए किलो है। इसी की नेमो बदल आजकल चल रहा है चाइना, मैं आपको वो दिखाता हूँ, दोनों का डिफरेंस भी आपको दिखाता हूँ। सही, ये चाइना, ये चाइना की, ये चाइना है, इंडिया है जो, इसको अल्लाह माफ करे, कुछ लोग जो है ना दोनों को मिक्स करके भी इंडिया बोल के बेचते हैं। फर्क कितना है यार इसमें? सही कह रहे हैं, अच्छा मिक्स करें तो पता ज्यादा चलेगा नहीं। अब कुछ लोग अल्लाह माफ करे क्या करते हैं कि जैसे मिसाल 40 किलो ये, तो उसके अंदर 20 किलो ही डाल दिया, तो किसी को क्या पता चलेगा। सही, रेट भी कम हो गया। सही, इसका रेट और इसके रेट में जमीन आसमान का फर्क है, ये 2500 रुपए किलो है। अच्छा, ये 2500 रुपए किलो, 6000 रुपए किलो है, बताओ यार आधे से भी ज्यादा फर्क है। सही, जबरदस्त। और ये सारी बातें भाई कोई बताता भी नहीं है, ये इस तरीके से कोई नहीं बताएगा जैसे, बिल्कुल। अब ये लॉन्ग, अरे लॉन्ग, इसकी भी सफाई देखो, अरे जबरदस्त, बहुत आला सफाई, चेक करें आप, दाना दाना एक जैसा। ये मडागास्कर का लॉन्ग कहलाता है। सही, इसमें भी 2-3 किस्म की लॉन्ग आती है, लेकिन मेरे पास सिर्फ मडागास्कर मिलेगी, क्योंकि इसकी खुशबू, इसकी लकड़ी, इसकी आप खुशबू, अगर आप खुशबू जाहिर से इतनी दूर से आ रही है भाई, बिल्कुल आप लेकर आ रहे थे तो खुशबू आने स्टार्ट हो गई थी, खुशबू बहुत अच्छी होती है, सही बेहतरीन। और प्राइस की अगर बात करें, प्राइस की अगर बात करें तो ये अभी तकरीबन 3600 रुपए केजी है। ये जायफल, जायफल की भी क्वालिटी देखें, ये सिलोन का है, इसमें एक आता है इंडोनेशिया, सही, एक आता है सिलोन, सिलोन का जो होगा ना वो चमकदार होगा, बिल्कुल साफ सुथरा, और इंडोनेशिया होगा ना वो उसके ऊपर अजीब सा ऐसा लगेगा कि हाँ मैला मैला सा होगा, मिट्टी मिट्टी सा, सही, वो इंडोनेशिया होता है ये सिलोन, ये एक एक दाना बचेगा। सही, एक एक दाने के अंदर आवाज आएगी, ये खराब ना हो, कोई सा भी दाना उठा के ला। सही, और इसके अगर प्राइस की बात करें, इसके प्राइस की तो ये तो सस्ता होता है, तकरीबन 2000 रुपए केजी है, 2000 रुपए केजी, जबरदस्त। इसके अंदर फिर ये जायफल के साथ
हर बंदे के मुंह जावेत्री का नाम भी जरूर होता है, ये मोटी जावेत्री, ये भी बिल्कुल साफ। देखो एंड तक आपको कोई चूरा कोई कचरा कोई चीज नजर नहीं आएगी, वरना तो डब्बे के अंदर है ना एंड में तो नजर आ जाए जो भी है। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल साफ सही। ये दालचीनी और अनस भाई इसके प्राइस बताइएगा। इसके प्राइस की बात करें तो ये तकरीबन अभी 6000 रुपए केजी है। ये भी जो है ना दालचीनी इंडिया इलायची की तरह बहुत महंगी है। ये दालचीनी जबरदस्त, बिल्कुल साफ सुथरी, चूरा निकाला हुआ है बिल्कुल सही। चूरा इसका अलग, कोई जैसे पिसाई विसाई के लिए किसी को चाहिए होता है तो उसको अलग से दे देते हैं, बाकी जो घर के लिए इस्तेमाल के लिए साफ बिल्कुल साफ सुथरी। इसके अगर क्या प्राइस की 1000 रुपए किलो है, 1000 रुपए किलो। इसके अंदर फिर एक ये सिलोन दालचीनी आती है, ये इस तरीके से गोल गोल होती है सही। ये सदर वगैरह के अंदर ऑनलाइन के अंदर इतनी महंगी चलती है कि किसी की गिनता नहीं सही, सही। ये मेरे पास 2400 रुपए किलो है, 2400 रुपए, 2400 रुपए किलो है। वैसे आप कहीं पर भी पता कर लें, ऑनलाइन सदर एक्स वाई जेड कहीं पर भी सही। बड़े मॉल्स के अंदर ये तकरीबन 1000 रुपए पाओ, 4000-6000 रुपए किलो चलती है। बताएं यार, ये सिलोन डबल से भी ऊपर, ये सिलोन और ये चाइना की खिलाती है वाली जबरदस्त। ये वैसे नॉर्मल ये चलती है, नॉर्मल ये चलती है, ये ज्यादातर हकीमी नुस्खों के अंदर और उसके अंदर चलती है, कावे वगैरह के अंदर, जड़ी बूटियों में ज्यादातर इस्तेमाल। कावे के अंदर ही बहुत अच्छी लगती है, खुशबू बहुत तेज होती है इसकी। इतनी सी टुकड़ी आप चबा लो पूरा मुंह खुशबू खुशबू, जबरदस्त हो गया। ये पैक पूरा बना हुआ है, केजी का पैक होता है, किसी को आधा चाहिए होता है तो वो भी मिल जाता है। अच्छा, अब इसके अंदर हमारे पास गर्म मसाले के अंदर फिर पिसे हुए आइटम आ जाते हैं, जिसके अंदर ये लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च तेज वाली है, ये कलर वाली नहीं है, ओरिजिनल डंड जो गोल मिर्ची आती है सही, गोल मिर्ची ओरिजिनल, ये वो पिसी हुई है ओरिजिनल, कोई कलर नहीं। जैसे देखो ये हाथ साफ करूंगा वैसे का वैसे ही हाथ निकला, कलर होता तो मेरे हाथ पे कलर रुक गया, मिर्ची रुकी है कलर नहीं होगा, बिल्कुल ऐसे है ठीक है। ये ओरिजिनल पिसी हुई, ये क्या प्राइस है? इसके प्राइस की बात करें तो ये तकरीबन अभी 1000 रुपए किलो है, 1000 रुपए किलो सही। ये इंडिया हल्दी पिसी हुई, इंडिया वाली हल्दी, खुशबू इसकी अभी खोलते ही खुशबू, बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है, बेहतरीन खुशबू है, जबरदस्त। ये क्या है? इसकी बात करें रेट की तो ये 800 रुपए किलो है अभी, 800 रुपए किलो है। ये धनिया पिसावा, ये भी ओरिजिनल पिसावा, इसकी खुशबू और इसकी क्वालिटी देखो, वीआईपी। और ये सारा आपका अपना पिसा हुआ? अपना पिसा हुआ, ये साबित धनिया पिसा हुआ, वरना लोग पिसाई के लिए सबसे थर्ड क्लास क्वालिटी को यूज कर लेते हैं कि भाई चलो पिसा हुआ किसी को क्या पता क्या पिसा हुआ। ये वो चीज है जैसे बाहर की मिर्ची या बाहर का धनिया आपको किसी चीज में सालन में या घर में किसी चीज में एक चम्मच डालनी है सही, तो ये आधी में काम हो जाना है। अच्छा, और जहाँ पर दो चम्मच डालनी है वहां पर ये एक में काम हो जाना है। जबरदस्त, इसी तरीके से इसमें काली मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर सही, आलू, यानी कि तमाम चीजें आपको मिल जाएंगी। इमली का कलर देखो, ये इमली बैंकॉक वाली है, बिल्कुल गोल्डन इमली सही, बाबा बोल के दिखाता हूँ। ये कलर देखो बिल्कुल, ये बैंकॉक, इसमें भी तीन चार किस्म की इमली आती है, यहाँ पे बिल्कुल ब्लैक कलर की आ रही है, ब्लैक कलर की आती है, वो चीज नहीं, गोल्डन होगी अंदर से भी, बीज बीज नहीं होगा, गुदा ज्यादा होगा, बीज जो उसका होता है वो होगा। वरना अमूमन क्या होता है कि इमली का पैकेट देखो तो ऊपर से बीज ही बीज नजर आ रहा है, सही बात है, वो होती है इंडोनेशियन सही, वो भी इमली सही है, खराब नहीं है, लेकिन वो सस्ती होती है, क्वालिटी का पैकेट। इसमें इंडो वियतनाम और ये दो तीन किस्म की इमली आती है, ये बैंकॉक की है। इसके प्राइस की बात करें तो ये 480 रुपए, ये थोड़ी सी अभी महंगी हुई है, वैसे सस्ती थी, 480 रुपए किलो, 480 रुपए किलो सही। अच्छा, इसके बाद फिर हमारे पास रेसिपी मसाले वगैरह होते हैं, उनमें शामी कबाब और निहारी, कोरमा, बिरयानी, टिक्का बोटी, तमाम मसाला जात मिल, अचार का मसाला, अचार गोश्त का मसाला, दखनी मिर्च जो व्हाइट पेपर जिसको कहते हैं उसका पाउडर, व्हाइट मिर्च साबित सही, बहुत सारे आइटम है गर्म मसाले, जबरदस्त हो गया। ये भी जैसे गर्म मसाले का आइटम है, ये मेथी दाना जिसको कहते हैं सही, ये भी बिल्कुल साफ जबरदस्त, ये तो अभी मेरे हाथ में इमली मैंने आपको दिखाई तो जैसे चिपक रहा है, बाकी जैसा हाथ डालेंगे वैसे ही साफ वैसे निकलेगा सही। ये भी गरम मसाले का आइटम है, ये सस्ता आइटम है, 400 रुपए किलो है, 400 रुपए किलो जी। ये खशखश बताओ यार, ये जो सर्दियों के अंदर जो हम थादल वगैरह के अंदर और उसके अंदर भी बहुत यूज होती है, और ये जो व्यूअर्स पहली दफा मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो जिंदगी में पहली दफा उन्होंने इतना साफ खशखश की खास तौर पे सफाई देखें आप, मैं यही कह रहा हूँ, देखें ये फर्स्ट टाइम उन्होंने इतना साफ देखा, खशखश रुकी होगी हाथ पे, मिट्टी नहीं होगी बिल्कुल ऐसे। इसका आप यूं भी देख सकते हो, अगर खशखश इतनी मिट्टी वाली होती है किसी चिंता नहीं, अभी ये देखें कोई मिट्टी उड़ती भी नजर नहीं आएगी बिल्कुल ऐसे, वरना तो इतना मैं फेंकूं तो ऐसे बिल्कुल बिल्कुल, वो तो धुआं उठे, धुआं तो लाजमी नजर आएगा।
प्राइस की बात करें, इसकी प्राइस की बात करें तो 1000 रुपए किलो है। इसके बाद फिर गरम मसाले में और बहुत सारे आइटम है वो जिसको जो चीज चाहिए हो, तो फिर इसके ड्राई फ्रूट्स हैं जिसके अंदर ये बादाम अमेरिकन, सही, ये तो समझ लें सदा बहार है ना, ये अमेरिकन खाए जाते हैं। छोटा साइज का है इसमें, ये सबसे छोटा साइज, अच्छा। इससे छोटा आता है लेकिन वो हम नहीं रखते, बताएं यार, ये छोटा साइज को बड़ा साइज करके बता के भेजते हैं। ये है 2600 रुपए किलो। अच्छा, बड़े और छोटे का मसला नहीं, होना अमेरिकन चाहिए। अच्छा, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि अमेरिकन की जगह पे इंडिपेंडेंट बोल के, इंडिपेंडेंट बादाम उसको अमेरिकन बोल के भेज दिया, ऑस्ट्रेलियन बादाम उसको अमेरिकन बोल के भेज दिया। ये जो मैं नाम ले रहा हूँ ना, आप भले किसी से भी ले गए, लेकिन नाम बंदा सामने से उसको ये पता होगा यार क्वालिटी का, क्वालिटी का बिल्कुल ठीक है, ये अमेरिकन है। इसके रेट की अगर अभी बात करें तो ये अभी थोड़ा सा महंगा हुआ है, 2600 रुपए केजी, वरना आज से 10 दिन पहले ये 2400 रुपए केजी था, सही, छोटा, लेकिन ये इंशाल्लाह उम्मीद है कि एक आध महीने में रीजनेबल हो जाएगा, हो जाएगा। अच्छा, इसी के अंदर फिर एक ये बड़ा बादाम अमेरिकन के अंदर, ये मीडियम साइज है, बड़े से मुराद फुल बड़ा नहीं है, साइज मीडियम है। हाँ, ये भी मीडियम है, साइज इसका भी अच्छा है, ये देखो इसका साइज, वही ना, साइज इसका भी अच्छा है लेकिन मीडियम है ये अभी बिल्कुल। इसकी रेट की अगर बात करें तो ये भी 3000 रुपए के जी, ये भी अमेरिकन है, अमेरिकन है, जबरदस्त। अच्छा, इसके अंदर एक फुल साइज बादाम है, अच्छा इसमें एक ये भी है, ये फुल साइज है, ये नहीं, ये भी फुल साइज नहीं, ये भी फुल साइज नहीं है, ये भी अच्छा साइज है लेकिन फुल नहीं है। इसमें बहुत सारे साइजेस आते हैं, सही। इसकी अगर रेट की बात करें तो ये तकरीबन अभी 3200 रुपए के जी, 3200 रुपए के जी, सही, जबरदस्त। ये है फुल साइज बादाम, सही, कलर अच्छा, ये वो है जिसको तलवार बादाम, तलवार, लेकिन ये तलवार एक होता है बिल्कुल लंबा, अच्छा, ये वो चीज नहीं है, सही, वो आएगी फुल सर्दियों के अंदर, ये कहलाता है चपटा बादाम, अच्छा चपटा बादाम। तलवार की ये इस मौसम के अंदर ये चलता है क्योंकि क्रिस्पी होता है ये खाने, अच्छा, अभी अगर तलवार बादाम कहीं से आप लोगे तो, मेरे पास भी था, मैं नहीं बेच रहा हूँ क्योंकि वो इस मौसम के अंदर हो जाता है, थोड़ा सा नरम हो जाता है, और बादाम खाने का मजा है कड़क कड़क, क्रिस्पी खाने का मजा बिल्कुल ऐसी। इसका अभी रेट की बात करें तो ये 3400 रुपए किलो है, 3400 रुपए। इसी तरीके इसमें भी कोई टुकड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल जबरदस्त, कोई टुकड़ा नहीं, वीआईपी हो गया, ठीक है। ये खस्ता बादाम, ये खुबानी का बादाम होता है, ये खस्ता बादाम, इसकी भी आप सफाई और वो चीज जबरदस्त, ठीक है ना, ये वो जो खुमानी में से निकलता है, जो निकलता है ये 1400 रुपए 1400 किलो होता है, सही। इसमें फिर बादामों के अंदर ये छिलके वाले आ जाते हैं, ये कहलाता है मनका बादाम, सही। अच्छा, मनके के अंदर भी दो साइज आते हैं, ये है फुल साइज, फुल साइज, ये दाने का साइज देखो, सही, ठीक है। ये आपको पड़ेगा 2000 रुपए किलो, 2000 के अंदर जो छोटा मन का आता है वो तकरीबन 1600-1800 रुपए किलो वो है, लेकिन वो किसी काम का नहीं, तो आता है तो छिलका निकल जाता है, बिल्कुल ऐसे है। अच्छा, ये छिलके वाले के अंदर फल्ली बादाम, फल्ली से मीन्स कि ये हाथ से देखो, इस पे ऐसे चीरी नजर आ रही है, ये ऐसे हाथ से छिल जाता है, जबरदस्त, ये निकल गया बादाम, ये जैसे आप पिस्ता वगैरह छीलते हैं वैसे, फल्ली जैसे तरीके कह रहे हैं, फल्ली बादाम उस पे इसलिए कहते हैं, इस पे हर दाने पे इस तरीके कट लगा हुआ होगा, अगर किसी पे नहीं भी होगा तो हल्का सा उसको यूं करेगा, हाथ से दबाना है। इसके क्या प्राइस है? इसकी प्राइस की बात करें तो तकरीबन 1800 रुपए किलो, 1800 रुपए। अच्छा, ये आ गया अब्दुल वाहिदी बादाम, ये अब्दुल वाहिदी बादाम बड़ा मशहूर बादाम, एक टाइम पे रह चुका है, काफी सालों से अपने इधर कराची के अंदर शौक था ये, सही, सिर्फ बड़े बड़े मार्ट्स वगैरह में मिल रहा था, सही। ये होता है लंबा दिखने में इस तरीके का, सही, इसकी गिरी बहुत मजे की होती है, अच्छा गिरी, ये रेट भी इसका सबसे हाई रेट इस बादाम का, अच्छा, ये इसका रेट तकरीबन 3200 रुपए किलो है, 3200 रुपए किलो, सही। छिलके वाले के अंदर सबसे अगर हाई बादाम है तो वो अब्दुल वाहिदी, सही, तो फिर क्वालिटी भी तो वैसी होगी, वाहिदी बादाम नाम से जिनको पता है ना इस बारे में वो, फिर इसके अलावा कोई दूसरा बादाम यूज भी नहीं करता, ऐसा बादाम है, बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, इसके बाद फिर ये काजू इंडिया, इसमें ये काजू इंडिया, ये छोटा काजू इंडिया के अंदर, सही, छोटे से मुराद 320 नंबर, ये नंबर्स के नाम से आता है, सही। ये इसकी सफाई के बाद यानी जो छोटा आप कह के दे रहे हैं लोग यही बड़ा करके इसका टुकड़ा ये निकला हुआ, सही। अच्छा, यानी कि टुकड़ा आप अलग कर देते हैं, हम अलग निकाल देते हैं, इसी तरीके बादामों में जो टुकड़ा आपको नहीं दिख रहा वैसे नहीं दिख रहा, उसका टुकड़ा ये रहा, सही। यानी कि ये कोई कस्टमर अगर आए तो वो ये अलग रेट पे ले सकता है, ये हाँ, जिनको किसी को कुछ आते हैं ना कि यार हमें मीठे में डालना है, पीसना है या दवाई में डालना है, तो ये वो ले जाते हैं, सही, ये बिल्कुल साफ, ठीक है। अच्छा, इसकी रेट की बात करें तो ये तकरीबन अभी चल रहा है 3800 रुपए किलो, 3800 रुपए किलो, जबरदस्त। ये इंडिया के अंदर बड़ा काजू है, ये 240 नंबर काजू है, इसका साइज देखें, जबरदस्त यार, ये दोनों इंडिया है, सही, सिर्फ साइज का, साइज का 240, ये बड़ा काजू, ये बड़े जो कस्टमर बड़ा बड़ा करते हैं काजू भी उनके लिए, सही, बाकी है तकरीबन सेम ही चीज, टेस्ट में भी, क्रिस्पीपन में भी, हर चीज में, सिर्फ साइज का रेट की अगर बात करें तो अभी तकरीबन ये 4200 रुपए किलो है, ये 4200। उसके और उसके क्या पता है? उसके 3800, सही। अच्छा, ये नमकीन पिस्ता, नमकीन पिस्ता जी। अच्छा, इसका भी आप एक दाना भी बन नहीं,
एक एक दाना खुला, जबरदस्त एक दाना खुला। ये मतलब बाकी जगहों से लोग आधे दाने तो बंद ही होते हैं। डोडा है, अपने अकबरी आता है, एक कंधारी आता है, वो सब बेकार है। डोडा जब चलता है तो उसके आगे कोई भी बिस्ता सबसे बेहतरीन क्वालिटी है। ये बड़ा साइज होगा, सही दिखने में मोटा होगा। फिर इसके अंदर एक डोडी बिस्ता आता है, मतलब इसी का छोटा, सही। फिर एक आता है कलमी, वो आता है सर्दियों के अंदर, वो थोड़ा लंबा होता है, वो भी अच्छा होता है, लेकिन वो अभी मौसम नहीं है। इस मौसम का सबसे अच्छा पिस्ता ही होता है। और प्राइस की अगर बात करें, इसके प्राइस की बात करें तो तकरीबन ये अभी 4400 रुपए किलो है, 1400 रुपए किलो, जबरदस्त। अच्छा, इसके बाद फिर ये फल्ली दाना चाइना वाला, सही। ये फल्ली दाना बिल्कुल व्हाइट फाइन क्वालिटी का, इसकी भी सफाई देखें ऊपर से लेके नीचे तक। ये सिलोन खोपरा, अच्छा खोपरे के अंदर भी दो तीन किस्म के आते हैं, एक आता है इंडिया, सही, एक होता है सिलोन। ये है सिलोन, सिलोन सबसे अच्छा खोपरा होता है, जिसके अंदर तेल की मकदार भी सबसे ज्यादा होती है और फायदेमंद भी है ये, सही। मीठा भी अच्छा बहुत होता है। फली की और इसकी प्राइस बात करें तो फली का प्राइस तकरीबन 600 रुपए किलो है इस वक्त, और ये खोपरे की 800 रुपए किलो, सही। अच्छा, अब ये पिस्ता सादा, इसका मैंने आपको टुकड़ा दिखाया पहले, सही। इसमें भी आप पूरी थप्पी देखें, सफाई, कोई दाना टूटा हुआ नजर नहीं है यार, जबरदस्त। ये देखिए, यानी कि कोई भी इनका माल उठा के आप देख लें, इंशाल्लाह आपको ऐसे ही साफ सुथरा मिलेगा, जबरदस्त। ये जो थोड़ा बहुत टूटा हुआ दिख रहा है, ये इसलिए, ये भी 2B से, ये हम जावा जो हमारा ना लोहे का होता है, बिल्कुल बिल्कुल, जब माल उठाते हैं तो जाहिर सी बात है वो बिल्कुल ऐसे टूटता है, बाकी सफाई, क्योंकि नरम चीज है ना ये, बिल्कुल। इसके रेट की अगर अभी बात करें तो ये भी कम हो गया पिस्ता, ये तकरीबन अभी 5400 रुपए किलो है, 5400 रुपए जी। इसके बाद फिर इसमें एक गोल बीज है, सही, ये नमक से भरा हुआ होता है गोल बीज, इसके क्या प्राइस है? ये 800 रुपए किलो होता है, लेकिन ये लोग कम लाइक करते हैं, चलता ये भी बहुत है लेकिन कम, इसकी जगह लोग ये बहुत लाइक करते हैं, ये लंबा बीज कहलाता है, सही। ये बिल्कुल लाइट नमक, मतलब यूं कह लो कि ना होने के बराबर, ना होने के बराबर। अच्छा, इसके अंदर भी दो तीन क्वालिटियां बनती हैं, अच्छा, अब जिसको जैसी बनानी हो, सही। क्योंकि 1 रुपए किलो है नमक, ये 2000 रुपए किलो ये वाला है, सही, टॉप वाला, ये वाला जिसको सदर के अंदर टॉप बीज बोल के तकरीबन 2400-2000 भी बिकता है, सही। अच्छा, अब इसके अंदर अगर मैं मिसाल 50 किलो का बैग बनवा रहा हूँ, सही, अगर मैं 5 किलो नमक भी एक्स्ट्रा कर दूंगा तो ये 2000 वाली चीज मेरे को पड़ गई घर में 1500 रुपए, बिल्कुल ऐसी है, सही, समझ गए ना, सही। ये क्वालिटी के पैसे हैं, सही, 2000 रुपए किलो है लेकिन क्वालिटी इसमें बिल्कुल, ये ब्लैक प्रेशर वाले जो है ना जी, उनको मद्देनजर रख के बनवाया गया है कि वो भी यूज कर सके, सही, जबरदस्त। ये टाइम पास के आटा में फिर लोग बोलते हैं यार घर में हमारे जैसे बड़े हैं उनको किसी को ब्लैक प्रेशर है, किसी को शुगर है, किसी को मसला है। अब ये खुबानी का शायद देखें साइज, अरे जबरदस्त यार। अच्छा, इसमें अपने पास दो किस्म की, एक ये भी है और एक ये जो आपको मीडियम हर जगह नॉर्मल मिल जाएगी, ऐसी, हाँ, बिल्कुल ऐसी। इसकी रेट की बात करें तो ये अभी 800 रुपए किलो है, ये वाली 1600 रुपए किलो है, डिफरेंस क्वालिटी में फर्क देखें यार, जमीन आसमान का फर्क। अच्छा, इन दोनों के बीच की भी एक आती है जो कलर में कुछ इस तरीके की होती है, दाना छोटा होता है, अच्छा, वो मेरे पास इंशाल्लाह सर्दियों होगी अभी नहीं, यानी कि उसमें फर्क नहीं, सिर्फ साइज का फर्क, साइज का फर्क है। ये गोल किशमिश, गोल किशमिश, गोल वाली, ठीक है, बड़ा साइज है, सही। इसकी रेट की बात करें तो तकरीबन 800 रुपए किलो है, 800 रुपए किलो। अच्छा, इसी के अंदर फिर एक आती है सुंदर खानी, ये सुंदर खानी है, ये भी खोल के इसका साइज दिखाऊंगा, साइज कोई लकड़ी नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल क्लियर, सही, जबरदस्त। सुंदर खानी है, इसकी अगर आज रेट बात करें, आज के रेट तो 1400 रुपए किलो है, 1400 रुपए किलो है, वीआईपी हो गया। ये ब्लैक किशमिश, ये जिगर के मसले के अंदर और इसमें बहुत यूज होती है, सही, ठीक है, ब्लैक किशमिश है ये। इसके क्या प्राइस है? इसकी प्राइस की बात करें तो 1000 रुपए किलो है, 1000 रुपए किलो है। ये मुनक्का, ये नजला खांसी वगैरह के अंदर जो इस्तेमाल होता है, खांसी के अंदर, इसके साथ बंदा जिसको बहुत पुरानी खांसी हो ना, जा नहीं रही हो, वो इसका बीज निकाले, अच्छा, और इसके अंदर 2 दखनी मिर्च के दाने लगा के खा ले, 3 दिन तक खा ले रोज के 2 या 3 दाने, इंशाल्लाह 2 से 3 दिन के अंदर खांसी बिल्कुल, जो पुरानी खांसी होती है ना बहुत खतरनाक है अक्सर बड़ों को, और बिल्कुल खत्म। तो इसके प्राइस की बात करें तो, इसके प्राइस की बात करें तो तकरीबन ये भी 1000 रुपए किलो है, 1000 रुपए किलो जी। अच्छा, फिर ये चिया सीड, ये ऑनलाइन वालों ने और बाहर के दुकानदारों ने धंधी मचाई हुई है इसमें, इतना खतरनाक लोगों को रेट दे रहे हैं, सही। ये चिया सीड, ये बहुत वजन कम करने के लिए और लेडीजों के लिए बहुत फायदेमंद चीज है। इसके रेट की अगर अभी बात करें तो तकरीबन ये अभी 1600 रुपए किलो है, 1600 रुपए किलो, ये रेट कम हो गया, बहुत कम हो गया। शाइनिंग चेक करें यार, ये इसकी शाइनिंग, अच्छा हाँ, ये अच्छा आपने बताया, ये शाइन जो है ना, इसकी क्या वजह है? ये है सीरिया का,
अच्छा, इसके अंदर एक आ रहा है पाकिस्तानी, सही, जो सीरिया बोल के बिकता है सेम है, सिर्फ क्या फर्क है कि इसके अंदर ना चमक है, उसके अंदर चमक नहीं होगी। अच्छा, यानी कि जो शाइनिंग आ रही है ये नहीं होगी, हर चीज होगी, शाइनिंग में थोड़ा सा फर्क होगा, फर्क होगा बिल्कुल। लाइट अब वो जो यूज करने वाला है वो तो पहचान जाएगा बिल्कुल ऐसी है, और जो यूज करने वाला नहीं है वो बेचारा वो पाकिस्तानी को इस रेट में, हालांकि रेटों में जमीन आती है 1600 रुपए किलो, वो 600 रुपए किलो है। अच्छा, लेकिन बस वो 1000 रुपए का फर्क है। हाँ, वो दुकानदार के लिए तो फायदा है, वो कस्टमर बेचारे को पता नहीं वो वो जाता है, सही, जब उस तक उसको पता चलता है अब तक तो वो यूज कर चुका हो जाता है, बिल्कुल ऐसी है। ये अलसी, अच्छा अलसी के अंदर भी यही सीन है, एक सीरिया और एक पाकिस्तानी, सही, ये सीरिया। अच्छा, इसकी पहचान क्या है कि इसका जो दाना है ना वो कुछ इस तरीके का होगा, मतलब पेट इसका जो होगा ना दाने का वो गोल होगा, सही, और जो पाकिस्तानी है ना वो थोड़ा सा लंबा होगा। अच्छा, बीच में से गोल नहीं होगा, पूरा दाना ऊपर से लेकर नीचे तक लंबा होगा, सही, वो बेकार है किसी काम का नहीं। असल अलसी जो है ना वो ये होती है, ये होती है, सही, जिसका पेट ये पहचान बताने का मकसद है, भले आप कहीं खुद भी लेने जाओ तो आपको ये चीज का पता हो, ये देख के ले लो आप, जबरदस्त। इसके कलर में और उसके कलर में भी डिफरेंस होगा, अच्छा, हल्का सा, मामूली सा, सही, जब दोनों चीजें सामने होंगी तो पता चलेगी, वैसे नहीं पता, वैसे नहीं पता चलेगी, इसमें भी फर्क होगा। प्राइस की क्या बात है, ये 400 रुपए किलो है, वो पाकिस्तानी जो है वो तकरीबन 60-70 रुपए किलो है, वो बिकता 450-450 रुपए किलो, 60-70 रुपए, ये भी 400 रुपए किलो मैं दे रहा हूँ आपको यहाँ पर होलसेल के अंदर, सही, बाकी आप कहीं पर भी चले जाओ तो ये आपको 600-800 रुपए से कम नहीं मिलेगा, बिल्कुल ऐसी है, बल्क क्वांटिटी का काम है, तो दुकानदारी चलो साथ साथ, बिल्कुल ऐसी है, सही, शुगर है तो बल्क में मिल जाता है, इसमें कस्टमर को फायदा, बिल्कुल ऐसी है। ये दखनी मिर्च की जो मैंने अभी आपको बताया ना मुनक्के के साथ, ये दखनी मिर्च है, सही। अच्छा, इसके अंदर भी एक मसला है, ये अल्लाह माफ करे, आज ना आजकल यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है जो दखनी मिर्च है नहीं, काली मिर्च के ऊपर व्हाइट पाउडर की कोडिंग करके उसको दखनी मिर्च बोल के बेच रहे हैं। इसकी पहचान क्या है कि ये मैंने एक दाना तोड़ा, अब ये आप दाने को अंदर से जरा, अंदर से ये कुछ इस तरीके का दिखना चाहिए, व्हाइट सा, यानी कि अंदर भी व्हाइट ही होगा, सही, अंदर से काला या आटे का जायका या कोई ऐसी चीज है तो वो दखनी मिर्च, ये इतनी तेज है, मैंने सिर्फ दांत से तोड़ा है और मेरे को ये इस तरफ दांत की तरफ जलन होना शुरू हो गई, सही, ये बहुत तेज होती है, इसकी पहचान ये, सही। इसके क्या प्राइस है, इसके प्राइस की बात करें तो ये अभी 2400 रुपए किलो है, 2400 रुपए। अच्छा, अब ड्राई फ्रूट में जैसे ये मखाना, सही, ये आजकल बहुत महंगा हुआ है क्योंकि इंडिया का आइटम है, और इंडिया के आइटम आपको पता है, जैसे वो बड़ी, मैंने आपको बड़ी इलायची शुरू में दिखाई, वो भी इसलिए महंगी हुई है कि इंडिया के जो आइटम्स है वो अभी यहाँ पर अपने कुछ सही मामला बात के मामला की वजह से जो है इस वजह से महंगे हुआ, वरना तो इतना कोड़ियों के भाव इसका रेट है आप देखा जाए तो इंडिया वगैरह के अंदर, लेकिन पाकिस्तान, सही, बदकिस्मती से यहाँ तक चीज आते आते, जैसे हमें बाहर की गाड़ी मिसाले $100 की यहाँ पहुँचते वो $2000 की बिल्कुल ऐसी है। तो यहाँ इसके क्या प्राइस चल रहे हैं, इसके यहाँ पर अभी प्राइस चल रहे हैं 5400 रुपए किलो, 5000, ये बहुत महंगा हो गया, मतलब ये पिछले साल 2400-2000 रुपए किलो था, सही। अच्छा, ये धनिया गिरी ओरिजिनल, जिसको धनिया की दाल भी कहते हैं लोग, सही, धनिया गिरी भी कहते हैं, सौंफ के साथ जो सेक कर खाई जाती है, सही, ये ओरिजिनल वाली है, इसमें कोई कलर नहीं, कोई इसके ऊपर जो है ना कोई भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं हुआ, सही, बिल्कुल जेन्युइन खुशबू में, इसको इसको थोड़ी सी खा लो तो मुंह में चलती जाएगी, खत्म करने का दिल ही नहीं होगा, इतनी तेज वो चीज है, जबरदस्त। बाकी इसके अंदर एक कलर वाली और गैस वाली आती है, सही। उसमें और इसमें जमीन आसमान का फर्क है, बंदा ये खा ले और वो खा ले, वो खाएगा 2 मिनट बाद उसको खुद ही करने का दिल चाहेगा, ये खाएगा बोलेगा खुशबू रहे मुंह में, ये वो चीज बिल्कुल। और प्राइस, इसकी प्राइस की बात करें तो ये भी 1200 रुपए किलो है, 1200 रुपए किलो जी, VIP हो गया। अच्छा, ये इंडिया कोपरा, इंडिया गोला। अच्छा, ये साबुत ही आता है, ये साबुत ही आता है, ये गोदरे वोदरे वाले बड़े लाइक करते हैं इसके अंदर, और ये खाने में भी बहुत मीठा होता है, अच्छा, जबरदस्त खोपरा होता है कि किसी की इंतहा नहीं, सही। ये इंडिया का बनगोला कहलाता है। अच्छा, इसके अंदर एक आता है सिलोन का, सही, वो लोग इंडिया बोल के भेज देते हैं, उसमें भी बहुत जमीन आसमान रेट का फर्क है, जैसे मिसाल ये 2400 रुपए किलो है, सही, तो सिलोन वाला अगर हम खरीदे ना तो हमें तकरीबन वो 1000 रुपए पड़ेगा, अच्छा, वो हमारी अल्लाह माफ करे ईमानदारी की, हम उसको सिलोन बोल के बेचते हैं या इंडिया बोल के, बिल्कुल ऐसे है, लेकिन इंडिया खाने वाला एक दफा जिसने खाया हुआ है वो उसको देख कर उसको खा कर उसकी पहचान उसको पता चल जाएगी क्या चीज, यानी कि कम खाए और हलाल खाए, बिल्कुल जबरदस्त हो गया। ठीक है, इसके अलावा फिर अंजीर, अंजीर देखें, ये ओरिजिनल। अच्छा, अंजीर के अंदर भी आजकल, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि अंजीर के अंदर पिछले 1.5-2 साल से गैस का चक्कर बहुत निकल गया, इसके अंदर फॉर्मिकेशन मारी जा रही है, ऐसे, और वो फॉर्मिकेशन मारी जा रही है जो अल्लाह माफ करे जो नुकसानदेह होगी, कितना नुकसानदेह, मैं आपको उसकी बात बताऊं कि इसको सड़ने से बचाए, और सड़ने से क्या चीज बचाती है, काफूर,
जो मुर्दे को लगाया जाता है वो आजकल इस पे गैस लगा के इसको अप्लाई करके यार पैसों के लिए लोग क्या क्या कर रहे हैं। अंजीर को ऐसा व्हाइट कर देते, ऐसा खूबसूरत कर देते कि जो देखने वाला बोलेगा यार क्या अंजीर है, 1800 रुपए किलो, 2000 रुपए किलो, इतना सस्ता। जब हमारे पास आके पूछेगा 3600 रुपए तो बोलेगा महंगा। उसका पता कैसे चलेगा? इसकी एक खुशबू अंजीर की, एक सही आप खुद भी सुंगे अगर सही तो अपनी इसकी एक अपनी खुशबू है। बिल्कुल ठीक है, सही। अच्छा, इसको खाएंगे उसका भी अपना एक जायका है, सही। और बगैर उसको गैस वाली को खाएंगे वो खट्टे खट्टी सी। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको एक और चीज दिखाऊं, इसके अंदर आप अगर इसका ये जो बीज दिखा सके तो ये बीज देखें कितना बारीक है, सही। ये ओरिजिनल अंजीर की निशान है, वरना ये दांत में ना मोटा मोटा आता है, दांत में ना फंसे। जो मोटा बीज होता है वो जंगली अंजीर होता है। अच्छा, जंगली अंजीर से मुराद अब जैसे आम है। बिल्कुल। अब हमारा आप सिंध का खा लें, सही। और इसी तरीके से मुल्तान का चौसा जैसा अभी चल रहा है, इत्तेफाक की बात है, वो आता तो हमारा चौसा का पहले हो जाता है। चौसा का मुल्तान का आम शुरू हुआ है चौसा, उसमें और इसमें क्या फर्क है? कहने को दोनों चौसा है, बिल्कुल। जमीन का फर्क है, उस वजह से जो है क्वालिटी का फर्क है। बिल्कुल भाई, इसी में भी इस तरीके से ये ओरिजिनल अंजीर, इसकी रेट की बात करें तो ये 3600 रुपए किलो, ये मीडियम साइज है, सही। ठीक है, इसके अंदर फुल जंबो साइज भी मेरे पास, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये अंजीर के अंदर, उसी अंजीर के अंदर बड़ा साइज है, ये वही सेम क्वालिटी, सेम क्वालिटी, सिर्फ साइज का फर्क है, सही। अब साइज के फर्क की वजह से ये जो बड़ा हो जाता है तो उसका थोड़ा सा नरमपन हो जाता है। देखो ये मैं हाथ से दबा रहा हूँ ना, दब गया, थोड़ा नरम होता है खाने में। ये ऐसा है कि किसी बुड्ढे के भी मुंह में डाल देना अपन, तो वो भी थोड़ी देर में चूस चूस के उसको खत्म कर देगा, सही। जबरदस्त हो गया। इसके अगर प्राइस की बात करें तो, इसकी प्राइस की बात करें तो अभी ये तकरीबन 4400 रुपए किलो है, सही। और वो क्या रेट था? वो 3600 रुपए, 3600 था। सेम चीज है, सिर्फ साइज का फर्क, साइज का फर्क है। वीआईपी हो गया। अखरोट गिरी, ये अखरोट गिरी, इसका भी टुकड़ा वुकड़ा सब निकला हुआ है, सारा फल ही फल देखें। ये है अमेरिकन अखरोट गिरी, अमेरिकन, ये 12 महीने यही चलती है, सही। सबसे अच्छी अगर अखरोट गिरी की बात करी जाए तो वो होती है अपनी पाकिस्तानी अखरोट गिरी, सही। लेकिन वो आएगी नवंबर और दिसंबर के अंदर, सही। वो तकरीबन 3 महीने होती है फुल फ्लैश, नवंबर दिसंबर जनवरी, चलती फरवरी तक भी है लेकिन वो एंड एंड की होती है, एंड एंड की होती है, सही। सबसे अच्छी अखरोट गिरी वो होती है। इसके बाद अगर दूसरी, सितंबर से स्टार्ट होती है वो अपनी पाकिस्तानी, वो आती बहुत थोड़ी सी है, सही। वो कहीं इंपोर्ट भी नहीं होती ना कहीं जाती, वो सिर्फ अपने इधर ही रहती है और थोड़ी बहुत ही होती है और यहीं बिक जाती है, सही। अच्छा, 12 महीने फिर ये चलती है अमेरिकन, सही। इसमें भी 2-3 क्वालिटी आती है लेकिन ये अमेरिकन चिल्ली की है, इसके अंदर फिर एक अमेरिकन का, अमेरिका का इलाका है चिल्ली, सही। ये उधर की अखरोट गिरी है, बिल्कुल व्हाइट और बिल्कुल क्रिस्पी खाने से, अंदर से थोड़े बिल्कुल एक जैसी हर जगह से देखें। और इसके अगर प्राइस की बात करें, इसकी प्राइस की बात करें तो तकरीबन 2400 रुपए किलो है, 2400 रुपए किलो है। ये भी सस्ता हुआ है, मना तो ये भी काफी महंगा, सीजन में तो ये भी महंगा, सीजन में नहीं, सीजन में भी इंशाल्लाह यही रेट रहेगा, अल्लाह चाहे या तो अल्लाह ने चाहे थोड़ा और कम हो जाएगा, तो हमारे कुछ गवर्नमेंट के मामला की वजह से इतना रेट हुए यार, टैक्सेस और दूसरे इतने मसले, और फिर टैक्सेस देने के बाद भी कोई बंदा सुकून से जी नहीं सक रहा, इस वजह से वो बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, ये छुआरा है पिछले ईयर का, पिछले साल का, हाँ। लेकिन अब छुआरा नया उतर गया है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा जब मक्खी की सीजन होती है, अभी मक्खी की सीजन चल रही है, तो इसमें ये क्यों होती है कि खजूर उतरती है, खजूर किसको बोलते हैं, इसी को जब ये गीला होता है तो खजूर होता है, सूख जाता है तो छुआरा हो गया, छुआरा हो जाता है, बिल्कुल ऐसे। तो ये अभी नया, अगले महीने से नया शुरू हो जाएगा, सही। इसके क्या प्राइस है? इसके प्राइस की बात करें तो अभी 800 रुपए किलो है, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि अब जो नया छुआरा आएगा, इस दफा बंपर क्रॉप है तो इंशाल्लाह ये पहले की तरह पुराना रेट हो जाएगा 200-300। ये तो आज से 2 साल पहले 100-200 रुपए किलो थे, तो 800-1000 रुपए हमने इस साल बेचा, माल ही नहीं था पीछे, बिल्कुल ऐसे है। इसके अलावा फिर ये गोंद मखाना वगैरह जो बनता है ना, सही, जो लेडीज वगैरह जो यूज करती हैं, सही, ये गोंद, कढ़ाई का गोंद कहलाता है ये, सही। इसके रेट की बात करें तो ये 800 रुपए किलो है। ये पम्पकिन सीड, इस पे भी लोग, अल्लाह माफ करे, बाहर वालों ने बड़ा फायदा उठाया, बाहर के दुकानदारों ने। अच्छा, ये पम्पकिन सीड है, इसके रेट की बात करें तो ये 1800 रुपए किलो है। अगर आपके किसी व्यूअर ने थोड़े दिन पहले कहीं से लिया होगा तो अच्छी तरीके से वाकिफ होगा इस चीज के रेट का, सही, कि ये 2400-2000 रुपए से कम कोई नहीं बेच रहे। अच्छा, हमारे पास ये 1800 रुपए, 1800 रुपए किलो, सही। वो भी फाइन क्वालिटी, चिया सीड, अलसी, पम्पकिन सीड, ये है कम यूज वाला आइटम, ये बाहर के लोग इसमें बड़ा फायदा उठा लेते हैं, सही। अच्छा, अब ये जो आजकल बड़े ऑनलाइन पे लोग दिखा रहे हैं कि मर्दाना कमजोरी का और फलाना का और फलाना का, ऐसा कुछ नहीं है, ये नॉर्मल ड्राई फ्रूट्स और उसका बनता है, सही। ये अपन अपने घर के बड़ों को भी खिला सकते हैं, अपन खुद भी यूज कर सकते हैं, बच्चों को खैर ना दें क्योंकि बहुत गर्म है, गर्म, बाकी अपन घर के बुजुर्गों को भी खिला सकते हैं, जोड़ों के दर्द के लिए भी बहुत जबरदस्त चीज है, अपन जवानों के लिए भी बहुत अच्छी चीज है, शादीशुदा है, बाकी जो लोग घर के बड़ों को भी खिलाए ना, कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, हर चीज का, क्योंकि ये बना हुआ है बेरी के शहद में। अच्छा, ये मेरे पास ये शहद है, सही, ये बेरी का शहद, मतलब जो शुगर वाले यूज कर सकते हैं। अच्छा, उसके अंदर बनाया हुआ है, जबरदस्त, ये हर कोई यूज कर सके।
और शहद खालिस होगा? शहद 100% गारंटी, मेरे पास वो देखे सारा शहद लगा हुआ है। सही, सिर्फ बेरी का रखता हूँ मैं, और कोई शहद नहीं। और ये शहद मेरे पास इधर जोड़िया के अंदर 1200 रुपए किलो है, मेरी दूसरी दुकान के ऊपर यही शहद 3000-4000 रुपए किलो। अच्छा, क्योंकि यहाँ पर हम बिल्कुल समझ लें कि मेरा असल काम है कंपनीज और मिठाई मिठाई वाला से, तो ये सिर्फ दुकानदारी, मेरा असल काम है बल्क क्वांटिटी। और इसकी अगर बात करें तो ये क्या प्राइस है इसका? ये किलो की बोतल बनती है तकरीबन 4500 रुपए की किलो की बोतल बनती है। इसमें माल सारा फाइन क्वालिटी का, अखरोट गिरी वगैरह आपको दिख रहा हो, ये तो मैंने सारा एक तरीके से मतलब ये मिक्स वाला देखा, बिल्कुल इसके अंदर अखरोट गिरी सारा साफ, बादाम देखो, काजू देखो, काजू का मैंने इसमें टुकड़ा डाला हुआ है, वो इसलिए कि काजू जो साबित है ना वो शहद पीने में थोड़ा टाइम लगा, टाइम लगाता है, और टुकड़ा भी मैंने साफ सुथरा डाला हुआ है, मतलब वो ऐसा नहीं है आपके, तो ये तो फाइन क्वालिटी का टुकड़ा, सारी फाइन ही होती है इसमें। देखिए इसमें अंजीर है, सही, इसमें सुकरी खजूर है जो सऊदीया वाली सुकरी खजूर है, इसमें थोड़ी सी जाफरान है, जाफरान तो सिर्फ एक बहुत कम थोड़ी सी है, वो तो इक्का दुक्का वो बाल दिख जाए सीधी बात है भाई। बाकी कलौंजी है, तिल है, चार मगज है, पम्पकिन सीड है, जबरदस्त, और सारे महंगे आइटम है। सही, अच्छा एक बादाम, ईरानी बादाम जिसको कहते हैं, ये ईरानी बादाम, अच्छा इसकी पहचान होती है कि इस तरीके से कुछ कुछ मेला मेला सा दिखा, जैसे ये किसी भी चीज में मिट्टी आग में नहीं रुकी थी ना, इसमें रुक जाएगी, और मैं इसको जितना साफ कर लूं, ये अभी मैं आपके सामने पूरा कप इसको साफ कर लूं, और दो मिनट बाद ये फिर दोबारा ऐसे हो जाएगा। सही, यानी इसकी पहचान ही यही है, पहचान है। सही, अच्छा इसका दाना ऐसे ना कर्व, कुछ दाने कर्व होंगे, सही, कोई दाना सीधा होगा, एक जैसा नहीं होगा, एक जैसा नहीं होगा, क्योंकि ये ईरानी है, इसके अंदर एक आते हैं देसी जिसको लोग ईरानी बोल के बेचते हैं, वो सारा एक जैसा होगा, एक जैसा होगा, सही, वो ईरानी नहीं है। सही, ईरानी की पहचान है कि उसके अंदर कोई दाना कर्व भी हो, सही, कोई दाना गोल भी हो, कोई दाना देखो ऐसा भी हो सकता है जिसके अंदर पीछे से सही है आगे से सूखा हुआ है, बिल्कुल ये इसकी पहचान है, पहचान है इसकी। जैसे जैसे अखरोट गिरी में मैंने आपको तेल निकाल दिया, इसमें भी ऐसी तेल निकलता है, हाथ से दबाओ ना तेल ही तेल हो जाएगा, जबरदस्त हो गया। इसकी क्या प्राइस है? इसकी प्राइस की बात करें तो तकरीबन 5600 रुपए किलो, 1400 रुपए पाव। तारिक भाई वैरायटी तो माशाल्लाह बहुत है, मैं तो अभी आपको बेसिक बेसिक चीजें दिखाई, वरना बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। बिल्कुल, यानी कि अगर देखा जाए तो 25% मुश्किल से दिखाई होगी, काम भी लगा हुआ आपके सामने, बिल्कुल ऐसी है, टाइम देना मुश्किल हुआ है। सही, बाकी एड्रेस वगैरह की जाना, अगर कोई फिजिकली विजिट करना चाहे तो एड्रेस बता दें, और अगर कोई ऑनलाइन मंगाना चाहे तो कॉन्टेक्ट नंबर बता दें। ऑनलाइन के लिए कॉन्टेक्ट नंबर है 03470210508। सही, दुकान का नाम है अली मोहम्मद बिलाल, जोड़िया बाजार मीठा दर। सही, किसी को भी पूछ लें, जोड़िया बाजार मीठा दर मिजान बैंक पे आगे अली मोहम्मद बिलाल की दुकान, बिल्कुल इंशाल्लाह आपको बता, मतलब बोल्टन में आके किसी से पूछे ड्राई फ्रूट मार्केट कहाँ पर है, वहाँ से आगे शॉप का नाम लेंगे इंशाल्लाह। बोल्टन में भी किसी ड्राई फ्रूट वाले को भी पूछ लेंगे ना कि भाई अली मोहम्मद बिलाल, तो इंशाल्लाह वो मेरा कस्टमर होगा, खुद दुकानदार भी, और आपको दुकान बता, जबरदस्त हो गया। बाकी जो है डिलीवरी चार्जेस की जहाँ तक बात है, मैं पहले भी आपकी वीडियो में मैंने 300 डिलीवरी चार्ज कहते हैं बोलता आज भी हुई हूँ, लेकिन मसला ये आता है कि इसमें कुछ लोग जो है ना काफी दूर के, बिल्कुल वो कस्टमर खुद भी फिर थोड़ा ख्याल करे कि भाई किसी के 400 भी है, किसी के 500 भी है। सही, गुलशन हैदरी गया कहले नॉर्थ नाजामबाद यहाँ तक का 300 मसला नहीं है, लेकिन इससे आगे कोई भी हो तो 450 तक 15 किलोमीटर तक, 15 किलोमीटर हाँ यूँ कह लें 15 किलोमीटर तक 300 रुपए, बाकी आगे खुद ख्याल कर लें, खुद ख्याल। सही, जबरदस्त, मेरी जेब में आने नहीं हो, गरीब की जेब में जाने, कस्टमर एंड में वो बोलता है इस पे काम करो। सही, क्या काम करूँ, मेरी जेब में थोड़ी आने, तो राइडर की जेब में, बिल्कुल ऐसी है। शॉप टाइमिंग बताइएगा? शॉप टाइमिंग सुबह 9 से रात 8 तक। सही, और संडे बंद होती है? संडे बंद। चले, बहुत शुक्रिया अनस भाई वक्त देने का, जजाकल्ला।